बंद करो, बंद करो, जायज फीस बंद करो, बंद करो, बंद करो, जायज फीस बंद करो, बंद करो। नालागढ़ के एक निजी स्कूल द्वारा अपनी मनमर्जी से फीस लेने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में नालागढ़ के अभिभावकों ने नालागढ़ तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल द्वारा मनमर्जी की फीस ली जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल की मर्जी नहीं चलेगी। वहीं उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप द्वारा दिया गया ज्ञापन प्राप्त किया और इसको हम आगे सरकार तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हम सरकार से इसके लिए मनवाने के लिए हम सरकार को कहेंगे कि जनता की या गरीब आदमियों की जो भी डिमांड है उसे पूरा करने की कोशिश करें। सर, बेसिकली हम यहाँ पे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं सभी, और हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो स्कूल की एडमिशन फीस की डिमांड है। सभी स्कूल, मैं सिर्फ दून वैली को आगे नहीं लेके आऊँगा, सभी स्कूल लोकेलिटी में जितने भी स्कूल हैं सभी के खिलाफ ये मोर्चा हमने बोला है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम सरकार के खिलाफ जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे जी। हम SDM ऑफिस के सामने ही अपना अनशन करेंगे बैठ के, और हम स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी जाते हैं, और हम डिमांड करते हैं SDM महोदय से कि जल्द से जल्द हमारे इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए। तो अभी कोविड सिचुएशन में जो प्रॉब्लम एक चल रही थी, खासकर स्कूल्स को फी को लेके, तो उसमें पीछे गवर्नमेंट की भी उसमें डायरेक्शंस आ गई थी स्कूल को कि जो आपके चार्जेस हैं वो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो पिछली उनकी नोटिफिकेशन थी उसको विड्रॉ कर लिया था, तो लेकिन स्कूल ने ये देखा कि अभी भी पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे एनुअल चार्जेस हैं वो 50% लिए जाएं। तो इसमें अभी तक काफ़ी हद तक हमारी ट्यूशन फ़ी भी जो है वो नहीं आ रही है, और स्कूल को रन करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो कुछ पेरेंट्स आज आए थे, इसी चीज़ को लेके मिले थे, तो उनको हमने यही बोला है कि जिसकी भी आज भी कोई भी प्रॉब्लम है फिनांस को लेके, अगर कोई फाइनेंशियली क्राइसिस है उनको, तो वो स्कूल में एप्लीकेशन दें और वो हम एग्जम्प्ट कर देंगे। बट वो प्रॉब्लम उनकी जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम किसी और का हक ना मारें। जिसकी प्रॉब्लम है उसको तो स्कूल सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो अच्छी पोजीशन में है या अफोर्ड कर सकते हैं ट्यूशन फ़ी पे करना या जो भी एनुअल चार्जेस हमने 50% बोले हैं, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर पे करें, और जिनकी प्रॉब्लम है उनको एक्सेप्ट करेगा। जो स्कूल के हमारे सभी बंधु बैठे थे, तो वहाँ MD हैं स्कूल के, राजीव शर्मा जी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स एनुअल चार्जेस नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन दें और हम उनकी जो एनुअल चार्जेस है वो माफ़ कर देंगे, ठीक है जी। जो एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो माफ़ कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन दो, हर जिसकी प्रॉब्लम है वो दें, ठीक है। लेकिन कोरोना काल में सबकी हालत इतनी गंभीर है कि घर के खर्चे चलाने बड़ी मुश्किल हो रहे हैं जी, फ़ोन रिचार्ज करवाने मुश्किल हो रहे हैं जिनसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि भैया सबकी समस्या हल हो जाए, सबकी दिक्कत दूर हो, लेकिन अब स्कूल जो MD हैं वो बोल रहे हैं कि आप अपनी एक एप्लीकेशन दो, अकेला बंदा एक एप्लीकेशन दे दे और वो अपनी एनुअल चार्जेस माफ़ करवा ले, ठीक है। सभी आ नहीं सकते, देखिए अब हम एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके आए हैं, कम ही बंदे आए हैं, लेकिन दिक्कत तो जो नहीं आया उनकी भी है, चाहे वो घर में है चाहे वो कहीं नौकरी पर है, घर से दूर है, प्रॉब्लम तो उनको भी है, पे तो उनको भी करना है। तो हमारी ये एक बात हुई है आज उनसे, आगे ये है कि लेकिन हम ये मैसेज दूर दूर तक पहुंचाएंगे, स्कूल के सभी पेरेंट्स को पहुंचाएंगे, जो नहीं दे पा रहे हैं भाई, जो नहीं आ पाए हैं उनको भी ये मैसेज देंगे कि अगर आप नहीं दे सकते हो फीस एनुअल चार्जेस, तो स्कूल को एप्लीकेशन लिख के दो, ठीक है जी। ये हमारा एक आज का जो इनके साथ वार्तालाप हुई, जिसमें ये कुछ निकल गया है।